दोस्तों नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे फ्लाइज ब्रिक्स बनाते हैं। फ्लाइज ब्रिक्स बनाने के लिए आपको पहले तो क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, किस चीज से वो बनता है और क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है वो आपको पहले जानना चाहिए। दोस्तों पहले इस सब जानने के लिए पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आप इस चैनल को लाइक करिए और कमेंट करिए, जिसके जरिए हम लोग आपके पास आसानी से पहुंच पाएंगे और आपके आइडियाज हम आप ले पाएंगे और आपको उसी हिसाब से आपको हम वीडियो बना के आपके पास दे पाएंगे। दोस्तों चलिए कैसे फ्लाइज ब्रिक्स बनाते हैं हम आपको बताते हैं। फ्लाइज ब्रिक्स बनाने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है फ्लाइज सैंड और दैट इज हाइड्रेटेड लाइम और एक होता है फ्लाइज सीमेंट और सैंड, और इसके साथ दोनों के साथ वाटर ऐड किया जाता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग फ्लाइज ब्रिक्स बनाने के लिए क्या जरूरत है, ये रॉ मटेरियल तो हो गया, उसके साथ क्या जरूरत है, जैसे कि मशीन जरूरत है, लैंड कितना जरूरत है, वो सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, जैसे कि आपको आसानी से आप फ्लाइज ब्रिक्स यूनिट बिठा पाए। फ्लाइज ब्रिक्स के लिए आपको ज्यादा कुछ हेडेक लेना नहीं है, सेल तो सब जगह सही होता है, अच्छा होता है। अभी फ्लाइज ब्रिक्स बनाने के लिए मशीन मेन होता है, मशीन क्वालिटी मशीन कहां से ले, क्वालिटी मशीन से ही आपका फ्लाइज ब्रिक्स बनता है। तो पहले चलिए आपको मशीन कहां से लेना चाहिए ये हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, मशीन आपको कहां से परचेस करना है, कैसा होना चाहिए वो हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। अपना अगला वाला वीडियो उसी मशीन के ऊपर होगा, किस टाइप का मशीन आपको होना चाहिए। तो मशीन कहां से लेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे में बताया गया है। अभी मशीन का वीडियो आप पहले एक बार देख लीजिए, ये आपका वीडियो यहां है देख लीजिए, ये आपका वीडियो चालू है। दोस्तों फिर से अभी आपने वीडियो देखा, वीडियो में पहले मिक्सर मशीन में फ्लाइस सीमेंट और बालू डालते हैं, नहीं तो कहीं कहीं पे फ्लाइस लाइम जिप्सम और सैंड, सीमेंट के बदले हम लाइम जिप्सम भी दे सकते हैं, कहीं कहीं पे लाइम जिप्सम नहीं होता है तो सीमेंट दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी मिक्सर मशीन में कितना कितना क्वांटिटी में फ्लाइस आपको डालना है और किस टाइप से आपको उसको बनाना है। पहली बात है मतलब आपको क्वांटिटी क्या क्या होनी चाहिए, फ्लाइज की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, बालू की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, जिप्सम और लाइम की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और अपने सीमेंट कहीं पे यूज होता तो सीमेंट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। दोस्तों ये सब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अलग अलग बनाया जाता है, जैसे कि सब मैक्सिमम उसका एवरेज निकालने जाने से आपको फ्लाइज 60% होना चाहिए, फ्लाइज टोटल ईटा का 60% आपको फ्लाइज होना चाहिए, 30% होना चाहिए आपका सैंड, जो कि सैंड कैसा होना चाहिए, एक रिवर्स सैंड होता है और एक सी सैंड होता है, सी सॉर का जो सैंड होता है तो रिवर्स सैंड आपके लिए इसके लिए बेस्ट होता है, सी सैंड नहीं होना चाहिए जिसमें सॉल्टेड नहीं होना चाहिए, रिवर्स सैंड होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अभी फ्लाइस हो गया 60%, सैंड हो गया 30% और 10% आपका होना चाहिए सीमेंट, नहीं तो जिप्सम और लाइम, लाइम और जिप्सम जो होता है वो दोनों में से कोई भी। तो दोस्तों सीमेंट 10% होना चाहिए पूरा टोटल ईटा में, 10% ओनली सीमेंट होता है, तो सीमेंट आपको जैसे कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है जो ओपीसी ग्रेड का सीमेंट होना चाहिए वो बढ़िया होता है, दूसरा ऑर्डिनरी सीमेंट जो होता है वो भी चलेगा, पीपीसी भी चलता है, बट ओपीसी ग्रेड का सीमेंट होने से आपका ईटा का स्ट्रेंथ बढ़िया होता है, ओपीसी दैट इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सीमेंट कोई भी तरीके से दूसरा यूज करेंगे तो मेरे ख्याल से आपका ईटा का स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं आएगा, बट ओपीसी सीमेंट यूज करने से आपका ईटा का स्ट्रेंथ अच्छा आएगा और ओपीसी का मतलब यूज करने से आपका ईटा जल्दी सूख भी जाएगा। आप ऑर्डिनरी सीमेंट जो पीपीसी सीमेंट होता है वाला यूज करेंगे तो उसके लिए आपको
थोड़ा दिक्कत होएगा, क्वालिटी में थोड़ा कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। दोनों का रेट करीबन मार्केट में सेम है, कोई भी डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, बट ओपीसी सीमेंट मिलने के लिए थोड़ा आपको दिक्कत होता है। कंपनी, सब कंपनी ओपीसी सीमेंट बनाती नहीं है, इसीलिए आपको उसी के हिसाब से ओपीसी सीमेंट आपको डालना है, पीपीसी सीमेंट नहीं चलेगा। अभी दोस्तों आइए, सीमेंट आपका 10% हो गया, अभी कैसे इसको बनाते हैं ये तो मेन कितना रॉ मटेरियल कितना प्रोपोर्शन में डालेंगे वो तो आप देख लिए, अभी आप कैसे बनाएंगे वो मेन है। जैसे मिक्सचर में कैसे डालेंगे, किसके बाद क्या डालेंगे और उसका मेन रीजन क्या होता है स्ट्रेंथ का, वो आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। अभी ये वीडियो और एक बार आप वीडियो एक बार देख लीजिए मिक्सर मशीन का, खाली एक वीडियो अभी देखिए, वीडियो मिक्सर मशीन का। दोस्तों अभी आपने मिक्सर मशीन का वीडियो देखा, मिक्सर मशीन में पहले हम लोग डालते हैं क्या बालू, बालू के साथ हम लोग डालते हैं क्या लाइम और जिप्सम, लाइम और जिप्सम डाले बालू के साथ, उसको ग्राइंडिंग होने के टाइम में पानी, हमेशा याद रखेंगे फ्लाइज ब्रिक्स बनाने के लिए पानी का सबसे बढ़िया रोल होता है। पानी यदि आप टाइम पे और ठीक जगह पे नहीं डालेंगे तो आप कहीं पे भी आपका क्वालिटी ईटा नहीं बनेगा। आपका मेन, इसका मेन मोटो है पानी। पानी यदि आप फ्ला, जैसे कि आप डाले हैं बालू अपना लाइम और जिप्सम, जिप्सम उसके बाद आप डालेंगे फ्लाइस, उसके बाद यदि आप पानी डाल रहे हैं तो आपका बहुत नुकसान होगा दोस्तों, आपका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आएगा। ये दोस्तों याद रखिए, पानी का रोल बहुत होता है फ्लाइस ब्रिक्स में। सब लोग ये बोलते नहीं है बट ये हम आपको बता रहे हैं, पानी का रोल सबसे बढ़िया होता है ईटा का मशीन में। पानी आपको डालना है जब आप सीमेंट मतलब जिप्सम और लाइम और आप बालू जब मिक्स हो रहा है उसी समय आपको पानी देना है। उसके बाद पानी का मिक्सर हो जाएगा, उसके बाद जब पूरे मिक्सिंग होने के बाद ही आप फ्लाइस डालेंगे, फ्लाइस के बाद पानी नहीं डालेंगे। फ्लाइस के बाद पानी डालने से क्या होता है हम आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद। अभी आप देख लीजिए ये मिक्सिंग हो गया, ये मिक्सिंग होने के बाद आप इसको, ये कन्वेयर बेल्ट में जाता है और कन्वेयर बेल्ट से आपका टोटल माल गिरता है होपर में और होपर से फीडर लेके आता है और ईटा निकलता है। और एक बार आप वीडियो देख लीजिए कैसे होता है ये प्रक्रिया। दोस्तों अभी आपने देखा ईटा कैसे निकल रहा है। अभी ये ईटे को लेके हम अपने पहले अपने जो अपना पाटला पीड़ा होता है या पाटला होता है या जो भी पैलेट होता है, पैलेट के ऊपर हम पूरा पूरी रख देते हैं, सजा के रखते हैं। वो भी आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे कैसे रखा जाता है। वो रखने के बाद उसको हम लोग ट्रॉली के वजह से हम लोग ले जाते हैं बाहर सुखाने के लिए। बाहर 1 से 2 दिन सूखेगा, उसके बाद हम लोग स्टैकिंग इसको करते हैं। स्टैकिंग करने के बाद दोस्तों आप उसको तुरंत सेल मत करिए, कहीं कहीं पे तुरंत सेल भी हो जाता है। क्यों ना, क्वालिटी एकदम अच्छा बनता है तो तुरंत सेल भी कर पाएंगे, बट उसका नियम होता है 7 दिन आपको क्यूरिंग करना होता है पानी के साथ। पानी के साथ 7 दिन क्यूरिंग करने के बाद दोस्तों आप उसको सेल कर करेंगे। अभी आपको हम पहले बताए थे कि पानी आप क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि फ्लाइस का काम होता है किसी चीज को टानने का, उसका उसका खुद का प्रॉपर्टी है
पानी को टानने का। आप फ्लाइज कहीं पे भी रख देंगे और यदि जमीन यदि गीला होगा तो फ्लाइज उसको टान लेता है पानी को। तो उसी हिसाब से यदि आप फ्लाइज बाद में डालेंगे तो क्या खाली जहां पानी गिरेगा वहीं पे ईटा वो वाला वहां वाला ईटा क्वालिटी नहीं बनेगा। बट यदि आप उस पानी को बालू और जिप्सम लाइम के साथ पानी डाल रहे हैं उसका जो मिक्सिंग होता है वो यदि आप वो यदि सीमेंट अपना फ्लाई स्टान रहा है तो आपका ईटा एकदम स्ट्रांग होगा। ये आपको हम एकदम बढ़िया से बढ़िया आपको हम बताए हैं। और एक दोस्तों आप और एक आपको हम टिप्स दे रहे हैं, ये पानी वाला टिप्स कोई नहीं देता और कहीं पे भी आप जाएंगे कॉपी कर लेंगे कहीं पे दूसरे का फैक्ट्री में और देख लेंगे कि ऐसा ऐसा है तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये पानी वाला कोई बताता नहीं है, ये दोस्तों ये सीखना होता है। और हम लोग इसको बहुत 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 दिनों से इसको ढूंढ रहे थे कि ईटा का क्वालिटी कैसे हो, ये से ही आपका ईटा का क्वालिटी होता है। और एक दोस्तों और एक आपको हम बता रहे हैं, जब ईटा निकल रहा है मशीन से और आप जब पैलेट के ऊपर आप जब उसको स्टैकिंग पैलेट में आप जब रख रहे हैं तब आप दोस्तों उसको ट्रॉली के से जब जहां पे रख रहे हैं वहां पे जाके दोस्तों आपको उसके ऊपर एक कवर लगाना पड़ेगा प्लास्टिक का कवर, जिसके जरिए जो केमिकल रिएक्शन होता है जिप्सम लाइम और सैंड का, तो वो केमिकल रिएक्शन में गर्म मतलब वेपराइज होता है मॉइस्चराइज होता है, जो मॉइस्चराइज आपको जहाँ बाहर जाना नहीं चाहिए वो पॉलीथीन उसको ऊपर ढक देंगे तो दोस्तों आपको वो वाला जो वेपराइजेशन और मॉइस्चराइजेशन उसके अंदर जो होगा वो आपको क्यूरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है और उसके लिए उसके हिसाब से उसी के जरिए से आपका ईटा बहुत अच्छा होता है। दोस्तों आप याद रखिए ये दो टिप्स, पानी और अपना ये ढकना, ये बहुत अच्छा होना चाहिए और अपना लाइम हाइड्रेटेड लाइम होना चाहिए, लाइम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। दोस्तों अभी हो गया आपका फ्लाइस सैंड और जिप्सम और लाइम, इसके हिसाब से आपको हम बताएं आपको फ्लाइस बनाना कैसा है। अभी दोस्तों आइए अभी आप सीमेंट के जरिए कैसे बनाएंगे, अभी सीमेंट भी उसी टाइप से ही सीमेंट मिक्सिंग करेंगे, बालू सीमेंट और पानी उसी समय डालना है जितना चाहिए आपको। जैसे कि खाने में जैसे स्वाद अनुसार हम लोग नमक डालते हैं उसी हिसाब से पानी कितना चाहिए वो आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा हीट एंड ट्राई प्रोसेस से कितना पानी उसमें लगना चाहिए। बट पानी इसी टाइम में पानी देना है ना कि फ्लाइस के बाद, इसके बाद ये पानी देने के बाद आप फ्लाइस डालिए वो मिक्सिंग हो के फिर कन्वर्टर में जाएगा, वही सेम प्रोसेस जैसे कि ईटा निकलेगा और उसको 7 डेज वही होता है। बट सीमेंट जिप्सम और लाइम ये तीन जो चीज है, सीमेंट अलग है जिप्सम लाइम अलग है, ये जिप्सम लाइम देने से सीमेंट नहीं देना है, सीमेंट देने से जिप्सम लाइम नहीं देना है। सीमेंट याद रखिए सीमेंट ऑफिसी होना चाहिए। दोस्तों इसी हिसाब से आप ईटा बनाएंगे तो आपकी क्वालिटी ईटा जरूर बनेगा। और बहुत मार्केट में बहुत चीज केमिकल मिलते हैं, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या केमिकल यूज करेंगे ये आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आप हमको जरूर कमेंट में लिखिए आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप कमेंट में लिखने के बाद सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, जब कम सब्सक्राइब नहीं करने से आपको नेक्स्ट वीडियो आपके पास नहीं पहुंचेगा, सब्सक्राइब करने से आपके पास नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही पहुंचेगा, जब हम लोग उसको यूट्यूब में अपलोड करेंगे तुरंत ही आपके पास नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियो को, थैंक यू।